मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के ठिकानों पर आज ईडी द्वारा छापेमारी की गई। ईडी द्वारा एक्शन जो है देखने के लिए मिला है। शराब घोटाले से जुड़ा ये जो मामला है, इस मामले को लेकर ही ईडी द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन से संजय सिंह तो बौखलाए थे, अब आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर बौखलाहट जाहिर कर रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज द्वारा इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जो एमपी है, स्पोक पर्सन है, वो खुलकर संजय सिंह का नाम लेकर कहते आए हैं कि इनको सबक सिखाना है, अब यह अरेस्ट होगा, अब इसका नंबर है, क्योंकि संजय सिंह जी ने संसद में अदानी स्कैम पर पीएम मोदी का विरोध किया है। बता दें, यही नहीं, एक तरफ सौरभ भारद्वाज संजय सिंह के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के काम का क्रेडिट लेने का भी आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सौरभ भारद्वाज ने पहले बताते हैं आपको कि संजय सिंह के लिए क्या कुछ कहा है, जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कुछ कहा है, फिर हम आपको बताएंगे कि उपराज्यपाल को लेकर क्या वक्तव्य है उनका। तो अभी उन्होंने लिखा है कि बीजेपी वाले खुलकर संजय सिंह का नाम लेते हैं, कहते अब इसका नंबर है, अब ये जेल जाएगा, अब इसका जो है अरेस्ट का नंबर है, क्योंकि संजय सिंह ने संसद में अदानी स्कैम पर पीएम मोदी का विरोध किया था। फिर ईडी चार्जशीट में उनका नाम आया, संजय सिंह ने मानहानि नोटिस दिया तो डर के ईडी ने लिखित में दिया कि हमने गलती से लिख दिया। किसी भी संस्थान के लिए यह सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट है, यह सिद्ध करता है कि भाजपा षड्यंत्र कैसे चलती है। उन्होंने आगे लिखा, उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के जो है संजय सिंह का नाम जानबूझकर चार्जशीट में डाला, फिर कोर्ट में गलती से नाम डालने पर ईडी ने माफी मांगी। इस अपमान का बदला लेने के लिए संजय सिंह जी के सहयोगी अजीत त्यागी, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ये बदले की राजनीति है, इतना तो इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी में नहीं किया था जितना आज मोदी सरकार कर रही है। तो आपको बता दें, सबसे पहले ये पूरी स्क्रिप्ट जो है ये लिखी जाती है और ये स्क्रिप्ट हर किसी के हाथ में थमा दी जाती है। क्यों? आम आदमी पार्टी का अगर एक भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आप कह सकते हैं बातें, सेम पॉइंट जो है कंटिन्यू सारे नेता बोलते रहते हैं, कंटिन्यू सारे लोग 800 नॉमिनेट की पीसी करेंगे और सेम चीज सेम बातें बोलेंगे। आज संजय सिंह ने भी यही कहा, सौरभ भारद्वाज भी अपनी पीसी में यही कह रहे हैं, अगर कोई और नेता भी करेगा तो यही क्या करेगा। यानी साफ तौर पर इन्हें एक स्क्रिप्ट तैयार कर दिया जाता है, स्क्रिप्ट थमा दिया जाता है और कहा जाता है अब बोलो। यानी ये जो है साफ तौर पर झूठ की कहानी गढ़ी जाती है और हाथ में उस कहानी को पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है पढ़ना शुरू करो। यही आलम है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो एक जैसे स्क्रिप्ट, एक जैसी बयानबाजी, एक जैसी चीजें जो है इनके द्वारा कही और सुनाई जाती है। और यही अगर आप देखेंगे कि अब संजय सिंह के करीबियों पर छापेमारी पड़ी है, अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो डर किस बात का है? संजय सिंह क्यों बौखलाए हुए हैं? सौरभ भारद्वाज क्यों बौखलाया है? यही बौखलाहट विजय नायर की गिरफ्तारी पर थी, यही बौखलाहट दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी पर थी और आज यही बौखलाहट जो है अगर आप देखेंगे संजय सिंह के करीबियों पर छापेमारी से हो रही है। क्यों? मनीष सिसोदिया जब बेगुनाह है तो क्यों उन्हें नहीं जो है जमानत मिल रही है? ये जो आम आदमी पार्टी राग अलापती रहती है कि बेकसूर है, बेगुनाह है, षड्यंत्र रच रही है, तो षड्यंत्र अगर बीजेपी रच रही है तो कोर्ट के सामने आप उन्हें बेगुनाह क्यों नहीं साबित कर पा रहे? जब घोटाला हुआ ही नहीं है तो छापेमारी किस बात की हो रही है? इन सभी सवालों का जवाब ना आम आदमी पार्टी ने कभी दिया है और ना ही वो कभी देगी। यही नहीं, आपको ये भी बता दे कि जिस ईडी की माफीनामे की ये बात कर रहे हैं, उस ईडी की पत्री जो है हमने आपको दिखाई थी और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि चार बार संजय सिंह का नाम हमने लिखा है, जिसमें तीन बार चार्जशीट में नाम सही है, सिर्फ एक बार जो है वो नाम गलत है, सिर्फ एक बार गलती से नाम लिख दिया गया है और ये बात जो है खुद ईडी द्वारा कही गई थी। उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, बकायदा उन्होंने संजय सिंह को ये कहा था कि ये ऑलरेडी जो है इसमें कोर्ट में मामला चल रहा है, इसे लेकर किसी तरीके की बेफजूल बयानबाजी ना करें। लेकिन संजय सिंह ना रुके और ना उन्होंने सुना और अब संजय सिंह के करीबियों के छापेमारी चल रही है, उसे सौरभ भारद्वाज बौखला गए हैं। अब सौरभ भारद्वाज की परेशानी का एक और कारण है और वो है एलजी।
क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एलजी जो है वो केजरीवाल सरकार के काम का जो क्रेडिट है वो ले रहे हैं। और ऐसा क्रेडिट लेने का आरोप किस बात को लेकर लगाया गया है? दरअसल एलजी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर दो तस्वीरें जो है साझा की है, बैक टू बैक जो है उन्होंने दो ट्वीट किया है। जिस ट्वीट में दिल्ली एलजी ने एक तस्वीर साझा की है और उस तस्वीर को लेकर उन्होंने कुछ लिखा है। तस्वीर कहाँ की है, क्या लिखा है, ये जानना भी जरूरी है। बता दें उन्होंने जो तस्वीर जो साझा की है वो बसवा लेक की है। बसवा लेक की जो तस्वीर है उन्होंने साझा की है। उन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर तरीके से बसवा लेक की साफ सफाई की गई है, बहुत बढ़िया तरीके से। जब मैं पहली बार विजिट कर रहा था और जब मैं अब विजिट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरीके से गोबर वगैरह की डंपिंग जो है की जाती थी, जो है डेयरी से आता था, सारा कुछ जो किया जाता था वो अब वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता था, वो अब उसे बंद करा दिया गया है, इसको मेकओवर किया गया है और अब वाटर स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ भी जो है वो की जाएगी। और ये लोगों के, उन्होंने कहा है कि ये DDA द्वारा इस पूरे सौंदर्यीकरण को किया गया है। DDA केंद्र सरकार के अंदर आती है और ऑब्वियसली ये काम का क्रेडिट भी उधर ही जाएगा। अब इसी बात को लेकर सौरभ भारद्वाज बिफर गए। उन्होंने यानी दिल्ली के जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज बसवा झील का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसी दौरान झील की सफाई और पर्यटन के लिहाज से उनकी तैयारियों की उन्होंने समीक्षा ले ली। इसी बात पर वो विफर गए। उपराज्यपाल बसवा लेक पर आधिकारिक संग गए और लेक की तरफ इशारा करते हुए कुछ फोटोज और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता का बीच जारी किया, ऐसा सौरभ भारद्वाज कह रही है। आप नेता ने कहा कि इससे पहले भी उपराज्यपाल ने अक्टूबर 2022 में बसवा लेक के दौरे पर गए थे, उस समय भी तस्वीरें जो है और आज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर के जरिए जनता के जो है बीच जारी कर उसे दिखाया गया है। और कार्य उपराज्यपाल महोदय ने अक्टूबर 2022 में शुरू किया था, मई 2023 में इस बसवा झील को पुनर्जीवित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने लिहाज से सारी सीमा पार कर दी है। वह दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल द्वारा बसवा झील के पुनर्जीवित करने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का श्रेय ले रहा है। LG ने अपने ट्वीट में कहीं भी नहीं कहा है कि यह सौंदर्यीकरण मैंने करवाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पूरे ट्वीट में। लेकिन यह अज्यूम कर लिया गया सौरभ भारद्वाज द्वारा कि ऐसा ही LG कहना चाहते हैं, दिमाग में यही है, वो दिखाना चाहते हैं कि काम बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया है और ये क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा सौरभ भारद्वाज को लग रहा है। सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात को सत्यापित करते हुए इस लेख के पुनर्जीवित करने के लिए जारी किए गए दिल्ली जल बोर्ड वक्फ बोर्ड ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा, इस प्रकार के षड्यंत्र करके माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने से पहले उपराज्यपाल महोदय भूल गए कि उन्होंने मई 2022 में उपराज्यपाल का पद संभाला था, जबकि 4 जनवरी 2022 को ही इस बसवा लेक के पुनर्जीवित करने के कार्य का वर्क ऑर्डर दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा जारी कर चुका है। बार बार ये कहते हैं चुनी हुई सरकार याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि चुनी हुई सरकार ही है। LG ने जो ट्वीट किया है इसे लेकर इन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि क्रेडिट ले रहे हैं। NDMC की भर्तियों को लेकर केजरीवाल ने क्रेडिट लिया था, जबकि इसका बयान गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया था। कई सारे काम अगर आप देखेंगे कोविड के दौरान भी केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे, लेकिन क्रेडिट जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लिया था। लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं होगा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है और भ्रष्टाचार तो विपक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो है तानातानी लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार और LG के बीच जारी है और इसी बीच संजय सिंह के जिस तरीके से करीबियों के यहाँ छापेमारी पड़ी है उसे लेकर सौरभ भारद्वाज बौखलाए हुए हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।